हाँ जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेक से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को ही जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर हम बात करें 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जैसे ही 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया ना, तो उसके बाद जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं लगातार उन्होंने अपने जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब बच्चों को उड़ीक है अपने रिजल्ट की। तो दोस्तों अब हम बताएं, सीबीएसई ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे बच्चों को टेंशन भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे अपेयर होने वाले थे वो सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे पास नहीं होंगे। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ सकता या फिर वो प्लस टू से पास नहीं हो सकते, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जो लगातार ही सीबीएसई को फॉलो करता है, क्या कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन लेकर तो नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये खबर निकल के आ रही है, सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट 2021 बिग अपडेट, बोर्ड वुड नॉट डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ने एक नई खबर जारी की है कि कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं वो बच्चे, अब हम पूरी खबर की ओर ही चलते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट 2021 अहेड ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज इशू ए नोटिफिकेशन क्लैरिफाइड दैट स्टूडेंट्स हु मिस ऑनलाइन क्लासेस और डिड नॉट अपेयर इन द प्री बोर्ड एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एबसेंट। The circular comes after the schools reported that few students who were studying in their school at the time of submission of LOC are not available for the examination. जी हाँ दोस्तों, कि जैसे ही रिजल्ट की खबरें वायरल होने लगी हैं, वायरल क्या पुख्ता होने लगी हैं कि रिजल्ट जल्दी आएगा, उसी बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यह क्लैरिफाई कर दिया है स्कूलों की शिकायतों के बाद कि जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अपेयर नहीं की या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए, उनका जो रिजल्ट है वो एब्सेंट में आएगा। सो इसके अलावा और कौन कौन सी हिदायतें जो हैं वो जारी की गई हैं, तो अब हम वो भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी टेकन टीसी। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के चलते स्कूल से टीसी ले लिया, लेकिन क्या हुआ जी, आगे फिर एडमिशन कहीं करवाई नहीं, तो वो बच्चे जो होंगे उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा या काट दिया होगा, उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो फिर एब्सेंट ही शो होगा। पढ़ाई में है डाउट तो सॉल्यूशन है डाउट नॉट। आपको सिर्फ करना क्या है, फोटो खींचनी है, क्रॉप करना, वो वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी अदर बोर्ड से रिलेटेड हो। इसी के साथ ही क्लास 6 से 12 तक के IIT JEE मेंस के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। सो अब इंस्टॉल कीजिएगा डाउटनट एप्लीकेशन को। और दोस्तों इसके अलावा ये भी खबर दी गई है, जिन बच्चों ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल से नाम स्टक ऑफ करवा लिया था किसी भी कारणों से, उनका जो रिजल्ट है वो भी एबसेंट आएगा। द स्टूडेंट कुड नॉट बी कंडक्टेड बाई द स्कूल ऑफ वेरियस ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट एग्जाम असेसमेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऑफ द ड्यूरिंग एग्जाम प्रैक्टिकल टाइम टेबल एंड इट नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट रिक्वायर्ड असेसमेंट। इसके अलावा दोस्तों, जो भी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, उन्होंने वो एग्जाम नहीं दिए तो भी उनका रिजल्ट जो है वो एब्सेंट में ही शो किया जाएगा। सो दोस्तों ये एक बड़ी ही अपडेट निकल के आ रही है। सो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो क्या अब सीबीएसई की तर्ज पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी इस टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा? अगर करेगा
तो बच्चों के लिए एक खतरे की घंटी।